Derive an expression for magnetic field intensity due to infinite filament. आपको निकालना है magnetic field intensity. And what is magnetic field intensity? It is denoted by H bar. We have to derive this. And what is given here? You had given infinite filament carrying current. So infinite filament carrying current, we have to first of all specify कि ये किस direction में flow हो रहा होगा. तो जनरलाइज करने के लिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमको करंट को स्पेसिफाई करना होता है. जनरली बुक के अंदर दिया है जेड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, उसी को लेकर सॉल्व किया. हम एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन कोई भी ले सकते हैं, लेकिन जेड डायरेक्शन हम लेंगे. उसका रीज़न ये है कि इसको हम सॉल्व करते उसमें स्पेरिकल, उसमें सिलेंड्रिकल सिस्टम के रो भी यूज होता है. तो सिलेंड्रिकल सिस्टम में जेड होता है, सिलेंड्रिकल सिस्टम के अंदर रो भी है और जेड भी है, तो इसलिए हम z लेंगे, x y नहीं लेंगे, क्योंकि सिलेंड्रिकल सिस्टम का रो लग रहा है हमको. अगर रो लग रहा है तो फिर रो से जुड़ता हुआ phi भी है, z भी है, तो phi भी लगेगा हमको फ्यूचर में और फिर z भी लगेगा. तो z लेने का खास रीजन क्या है कि हम सिलेंड्रिकल सिस्टम का यूज करके हम उसको सॉल्व कर रहे हैं. हम डिराइव कर रहे हैं h का इक्वेशन फॉर फिलामेंट, इनफाइनाइट फिलामेंट कैरिंग करंट. ठीक है, और सिर्फ इनफाइनाइट नहीं, फाइनाइट के लिए भी कर लेंगे. कंसिडर दिस इज द z एक्सिस, ये z एक्सिस है और z एक्सिस ऊपर में एक करंट फ्लो हो रहा है. लेट करंट बी आई, लेट दैट करंट बी आई. और आपको h निकालना है, तो h किसी एक पॉइंट पे निकालेंगे. तो हम एक पॉइंट कंसिडर करते हैं, कंसिडर हियर अ पॉइंट p, एक पॉइंट p कंसिडर कर लेते हैं. अब ये पॉइंट पे करंट i, तो करंट i तो फ्लो हो रहा है, लेकिन हमको करंट नहीं चाहिए, करंट एलिमेंट चाहिए, डिफरेंशियल करंट एलिमेंट. जैसे इसके पहले हमने लिया था डिफरेंशियल आई इंटू डी एल, तो यहां पे अगर हम इसको यहां से यहां तक डिफरेंशियल लेंथ डी एल अज्यूम कर लेते हैं, और उसकी लेंथ क्योंकि डायरेक्शनल क्वांटिटी है, जेड डायरेक्शन फ्लो हो रहा है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी होगा. और क्योंकि डिफरेंशियल लेंथ जेड डायरेक्शन में है, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं डी एल इज इक्वल टू डी जेड. और डी जेड के भी अंदर दो चीजें, क्योंकि वेक्टर है और वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी होता है और उसका डायरेक्शन भी होता है, तो डी जेड जो है उसको आप लिख सकते हैं डी जेड मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर ए जेड. तो करंट एलिमेंट जो बनेगा तो आई इंटू डी एल होता है, तो करंट एलिमेंट क्या रहेगा, आई इंटू डी जेड ए कैप जेड, ये होगा करंट एलिमेंट. अब ये डी जेड पर के ऊपर बार नहीं लगेगा, क्योंकि सामने ए जेड हमने लिख दिया है. एंड वेक्टर कैन बी स्प्लिटेड इंटू टू पार्ट्स, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. डायरेक्शन इज गिवन बाय यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन. ठीक है, ये हो गया. अब ये पॉइंट पी है, पॉइंट पी से परपेंडिकुलर हम अगर जेड एक्सिस के ऊपर डालते एक लाइन इस तरह से, सो वॉट एवर लाइन यू फॉल ऑन जेड एक्सिस परपेंडिकुलरली इट इज कॉल्ड एज रो. आप किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर जेड एक्सिस पे जब डालेंगे तो उसको रो कहते हैं. सिलेंड्रिकल सिस्टम याद है या नहीं, सिलेंड्रिकल सिस्टम में रो फाय जेड होता है. रो क्या होता है, गिवन पॉइंट से लेकर परपेंडिकुलर ऑन जेड एक्सिस, यहां से लेकर परपेंडिकुलर जेड डाल देंगे तो ये हो जाएगा रो. और जेड एक्सिस से उस पॉइंट की तरफ इसी लाइन का डायरेक्शन अगर लेंगे तो वो रो का डायरेक्शन रहेगा. तो जेड एक्सिस से पी का डायरेक्शन में अगर आप मार्क करते तो ये हो जाएगा रो का डायरेक्शन. रो का डायरेक्शन इज गिवन बाय यूनिट वेक्टर ए रो. तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस रहेगा रो और उसका डायरेक्शन रहेगा ए कैप रो. और ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिलके बनेगा वेक्टर. यहां से यहां तक का वेक्टर जो रहेगा वो ये है, स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक का जो वेक्टर है वो रो एरो है. मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, जैसे यहां पे मैग्नीट्यूड डायरेक्शन लगा के वेक्टर बना. वैसे इसका हम जो वेक्टर का नाम नहीं लिखे, जनरलाइज्ड फॉर्म में उसको दो ही फॉर्म में रखे, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन. ठीक है, अब इसके पहले हमने जो किया था करंट एलिमेंट से मार्क किया था, करंट एलिमेंट से पॉइंट की तरफ जो मार्क करते उसको आर कहते हैं, रेडियल डिस्टेंस आर. तो वैसे यहां से हम पी की तरफ एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं और ये करंट का इफेक्ट इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, तो यहां से एरो बनेगा उधर ये डायरेक्शन में और ये रेडियल डायरेक्शन हुआ आर. यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना रहेगा आर, और डायरेक्शन रहेगा यूनिट वेक्टर ए कैप आर. उस तरीके से ये जो यहां इस पॉइंट से ऊपर डायरेक्शन तो जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस, तो ये डायरेक्शन ए जेड रहेगा और यहां से यहां तक का डिस्टेंस जेड रहेगा. तो ये जो बना यहां से कंप्लीट वेक्टर सीधा,
नीचे तक यहां तक का, ये पूरा वेक्टर जो बनेगा ये है जेड ए कैप जेड। तो तीन वेक्टर्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, एक जेड दिख रहा जो अपवर्ड डायरेक्शन में है, और एक राइट डायरेक्शन में रो एरो है, और ऊपर ये रेडियल डायरेक्शन है आर आर। अब वेक्टर एडिशंस आपने शायद पढ़ा होगा, वेक्टर एडिशन मैथमेटिकल तरीके से भी कर सकते हैं आप, और ग्राफिकल तरीके से भी आप कर सकते हैं। ग्राफिकली जो ग्राफिकली जो वेक्टर आप ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल आपको वेक्टर दिया है एक ए दिया है और इस तरीके से एक वेक्टर बी दिया है, इनको ऐड करने का तरीका है कि आप पैरेललोग्राम बनाएंगे, आप ए से पैरेलल लाइन बी के एंड से ड्रॉ कर लेंगे पैरेलल लाइन, और वैसे इसके पैरेलल लाइन यहां से ड्रॉ कर देंगे, जहां पे ये इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट इसकी यहां से लेकर आप वहां वो पॉइंट तक एक वेक्टर ड्रॉ कर देंगे, एंड दिस वेक्टर विल बी ए प्लस बी सम ऑफ टू वेक्टर्स। ये एक मेथड हो गया कि आप पैरेललोग्राम बनाएंगे। दूसरा मेथड क्या होता है कि आप क्या करेंगे, ये जो बी वेक्टर है इस बी वेक्टर को ही मूव करेंगे, यू विल शिफ्ट द बी वेक्टर, और आपको बी वेक्टर को यहां पे बना लेंगे, ये बी वेक्टर यहां पे ला लेंगे, बी वेक्टर को यहां से मूव करके वहां पे पहुंचा देंगे, और उसके बाद स्टार्टिंग वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट, फर्स्ट वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर सेकंड वेक्टर का एंड पॉइंट आप ड्रॉ कर देंगे वेक्टर, दैट विल बी सम ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, इसमें तो एक फायदा ये भी हो गया कि आप जैसे तीन वेक्टर आपके पास ए है, फिर बी है, फिर सी है, तो तीनों वेक्टर का आप सम कर सकते हैं इस तरीके से, ये सम तीनों वेक्टर का सम हो जाएगा। एंड टू एंड कनेक्ट करने का फायदा ये होता है कि आप ऐसे कितने भी वेक्टर्स हैं सबको एंड टू एंड जोड़ते चले जाओ, और फाइनल वेक्टर विल बी कि पहले वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर लास्ट वेक्टर का एंड पॉइंट जोड़ देंगे आप, तो यू विल गेट सम। ठीक है, लेकिन कनेक्शन ऐसा होना चाहिए, इसका जो एंड है वो अगले का स्टार्ट होना चाहिए, हर वेक्टर का जो एंड है वो नेक्स्ट वेक्टर का स्टार्टिंग होना चाहिए, तब जाके आप उसको एंड कर सकते हैं, एंड मतलब सम कर सकते हैं। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि ये जो वेक्टर है एक z इधर जा रहा, एक रो इधर जा रहा, z अप जा रहा, z का एंड है वहां से r का स्टार्ट है, और इस तरफ से देखेंगे ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ये एंड है और इसका स्टार्ट नहीं है, ये इसका भी एंड है, तो एडिशन कैसे करेंगे फिर, रो ए रो इज इक्वल टू आर ए आर प्लस जेड, इसको ऐसा बोलो जेड ए जेड प्लस आर ए आर। अपन कैसा करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बोलते हैं, सी प्लस बी प्लस ए भी पॉसिबल है, लेकिन जिस तरह से हम ड्रॉ कर रहे हैं उसी तरीके से हम बोलेंगे भी, तो यहां पे कहेंगे इसको जेड ए कैप जेड प्लस आर ए कैप आर इज इक्वल टू रो ए कैप रो, ये हो गया एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, अब इसमें से हमको ए कैप आर लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि हमने पिछले डेरिवेशन में डी एच निकाला हुआ है, डी एच का फॉर्मूला था I into DL cross A cap R divided by 4 pi R square। ये जो है differential H है, differential H, differential magnetic field intensity। Differential magnetic field intensity से आपको क्या निकालना है, complete magnetic field intensity निकालना है, तो पहले वो ही लेकर सॉल्व करेंगे, उसको फिर इंटीग्रेट कर देंगे टोटल लेंथ पे। ठीक है, तो यहां पे A cap R आपको लग रहा, A cap R लग रहा, इसलिए A cap R यहां से निकालेंगे, ए कैप आर क्या रहेगा, जेड ए जेड को उधर लेके चल जाओ, ये रो ए कैप रो माइनस जेड ए कैप जेड होल डिवाइड बाय आर, होल डिवाइड बाय आर, ये हो गया। अब इसमें अपने को राइट साइड में यहां पे आर यहां भी लग रहा, आर यहां भी लग रहा, और आर क्या है, ये ट्रायंगल का हाइपोटेनियस है, ट्रायंगल का हाइपोटेनियस है, तो यू कैन यूज द फॉर्मूला R will be equal to F square of these two will be equal to hypotenuse square, R square equals to Z square plus rho square। इसमें यूनिट वेक्टर नहीं लेते क्योंकि हम डिस्टेंस ट्रायंगल में डिस्टेंस ही लेते हैं, तो डिस्टेंस में डायरेक्शन का मतलब नहीं होता, तो ये डिस्टेंस R है, ये डिस्टेंस Z है, ये डिस्टेंस rho है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर करेंगे R square equals to Z square plus rho square, तो R square is equals to Z square plus रो स्क्वायर या रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। अब ये यहां पे आर स्क्वायर था, उसको हटाएंगे तो उधर अंडर रूट आ जाएगा, तो आर डायरेक्टली इस तरह से निकल जाएगा आपका। अब ये आर आप यहां पुट करेंगे और यहां भी आप पुट करेंगे, वैसे एक कैप आर रेडी करेंगे हम इसको पुट करने के बाद, उसको फिर हम वहां पुट कर देंगे। हमारे पास आईडियल था जनरलाइज फॉर्म में,
अब ये I into DL हमारे पास इस फॉर्म में अवेलेबल है, क्यों? क्योंकि I DL में जो DL था डिफरेंशियल लेंथ जनरलाइज फॉर्म था डिफरेंशियल लेंथ, अब हमने बोल दिया कि ये Z डायरेक्शन में जा रहा तो डिफरेंशियल लेंथ DZ हो जाएगा, डिफरेंशियल इन Z डायरेक्शन इज DZ, और DZ क्योंकि वेक्टर है उसको हम दो पार्ट में लिख सकते हैं DZ into AZ, तो I के साथ में था DL तो DL को हम इस तरह लिख सकते हैं, तो I into DL की जगह हम लिख देंगे I DZ AZ, तो पूरा उसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या बनेगा DH, आप देखो आपका DH हो जाएगा I DZ A cap Z क्रॉस A cap R, A cap R इस ये यहाँ पे जो निकाला हुआ है रो A cap रो माइनस Z A cap Z अपॉन, अब यहां पे इस तरफ 4 पाए आर स्क्वायर है, 4 पाए आर स्क्वायर 4 पाए हम लिख गए थे और आर स्क्वायर और ये आर आर क्यूब और ये क्या है आर इज अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर, अंडर रूट को आप लिख सकते हैं 1/2 पावर हाफ हो जाएगा वो, और यहां पे आर इंटू ये आर स्क्वायर क्या हो जाएगा आर क्यूब, तो आर क्यूब को आप लगाएंगे पावर 1/2 तो ये हो जाएगा 3/2 जेड स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर, एक्चुअली इसको रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिखना चाहिए क्योंकि जो नॉर्मल फॉर्मेट है उसका रो फाई जेड है, रो फाई जेड में पहले रो आता है फिर जेड आता है, उल्टा लिखेंगे 2+3 या 3+2 कुछ होता नहीं, लेकिन एक मेंटेलिटी बना लो कि हम हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही बोलने की आदत डालो, पहले क्या लेंगे रो फिर जेड, ये लिखा उल्टा है, पावर क्या हो जाएगा इसका 3/2, क्यों 3/2 हो रहा हो यहाँ पे क्योंकि आपके पास यहाँ पे एक आर स्क्वायर है और यहाँ पे एक आर है, दोनों आर मल्टीप्लाई होंगे तो आर क्यूब बनेगा, और अंडर रूट को आप अंडर रूट को पावर 1/2 के लिख सकते हैं तो क्यूब 2 मतलब 3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये डीएच है इसको नेक्स्ट स्लाइड में कॉपी कर लेते हैं, अब यहां से स्टार्ट करते इसको, इसका अपने क्रॉस प्रोडक्ट करना है, वेयर टू सॉल्व फॉर क्रॉस प्रोडक्ट, तो इसमें से जो कांस्टेंट है उसको अलग निकाल लेते बाहर और बाकी क्रॉस प्रोडक्ट सामने कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे कांस्टेंट क्या क्या दिख रहा है आपको आई रो कहां पे ये रो है आई इंटू रो इंटू डी जेड, और एक मिनट ये जो रो है ना ये रो कॉमन कैसे निकाल लिया अभी हमने, कॉमन अभी रो नहीं निकलेगा, यहां देखो अब ये ब्रैकेट है ये क्या था एक्चुअली यहां पे लास्ट टाइम यहां पे ये था ए कैप आर, ये ए कैप आर था तो ए कैप आर के जगह पे ये पूरा टर्म आया है रो माइनस जेड वाला, तो ये ब्रैकेट रहेगा और डिवाइड बाय ये तो हमने डिनोमिनेटर को हम उसको साइड में निकाल लिया, तो इस तरह से देखिएगा आई इंटू डी जेड डिवाइड बाय 4 पाई रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर 3/2, यहां तक तो ये हो गया कांस्टेंट, उसके बाद आप देख सकते हैं यहां पे ए जेड एक यूनिट लेफ्ट साइड में एक वेक्टर है ए जेड और राइट साइड में ये वेक्टर से दो, तो ये वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई होगा इससे, तो क्रॉस प्रोडक्ट करने का जो मेथड है डिटरमिनेंट है, तो आइदर यू कैन यूज डिटरमिनेंट क्योंकि बड़ा वेक्टर जब होता है तो मल्टीप्लाई करने के लिए डिटरमिनेंट लगता है और कोई छोटा वेक्टर होता है डायरेक्टली आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यू कैन यूज डिटरमिनेंट ऑल्सो तब भी आंसर वही आएगा, ठीक है। शॉर्ट असल में डिटरमिनेंट जो है वो एक पैरेलल दूसरा वे है सॉल्व करने का, और नॉर्मल वे जो होता है जैसे डॉट प्रोडक्ट में हम करते हैं दो ब्रैकेट्स होते हैं तो फर्स्ट का सेकंड कंपोनेंट करते फिर फर्स्ट वाले वेक्टर का सेकंड कंपोनेंट लेके फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड से करते ऐसा हर तरीके से जितने पॉसिबल है सारे वेज मल्टीप्लाई करते हैं और जो सेम डॉट प्रोडक्ट होता है वो 1 होता है और जो डिफरेंट आता है वो 0 होता है बिकॉज एंगल बिकम्स 90 डिग्री। क्रॉस प्रोडक्ट में भी सेम उसी तरीके से करते हैं, तीन इधर रहेंगे एक्स वाई जेड, तीन उधर रहेंगे एक्स वाई जेड, एक्स का एक्स वाई जेड राइट साइड में सबसे करेंगे फिर वाई का करेंगे सबसे, जेड का करेंगे सबसे, तो इक्वेशन काफी बड़ा बन जाता और उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे तो फाइनल जो रिजल्ट आता वो रिजल्ट डिटरमिनेंट से भी आता।
तो डिटरमिनेंट क्योंकि फैमिलियर है इसलिए वो मेथड से हम ले गए उसको, ज्यादा इजी आता। लेकिन ये इस तरीके से आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वही आएगा, डिटरमिनेंट से करेंगे तब भी वो आएगा। अगर डिटरमिनेंट लेते आप तो ये वाला वेक्टर में एक्स वाई जेड में तो एक्स जीरो वाई जीरो जेड में वन रहेगा, और इस तरफ यहाँ पे इस साइड में रो है, इस साइड में एक्स वाई जेड नहीं लेंगे, साइड में रो फाइव जेड लेंगे, रो फाइव जेड ऊपर लेंगे और रो फाइव जेड में रो फाइव जीरो रहेगा डिटरमिनेंट में। अगर डिटरमिनेंट आप सॉल्व कर रहे तो ए रो ए फाइव ए जेड, और दूसरा पहले का पहले यह बेटर रहेगा ए जेड, इसका कोएफिशिएंट वन है तो ए जेड वन है, बाकी तो है ही नहीं इसमें जीरो। और वैसे इसमें इस साइड में आप देख सकते हैं कि रो फाइव जेड में फाइव नहीं है, रो है उसका कोई रो है यहां पे, फाइव है नहीं, जेड है माइनस जेड। तो इस तरीके से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें आप, माइनस वन जेड ही तो है, ये जेड है ना, सही है ना, जेड है। अब इसको आप सॉल्व करके देखो तो ये इसके जब ए रो करेंगे तो ये जीरो इंटू जीरो हट जाएगा, फिर ए फाइव करेंगे तो जीरो और ये रो बच जाएगा, क्या बच रहा है यहाँ पे माइनस रो नहीं, ये पहले ये मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा, माइनस रो करेंगे तो ये माइनस इसके साथ में माइनस, ये तो दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हाँ फिर प्लस ए कैप जेड के लिए ये जीरो दोनों जीरो हो जाएंगे, तो क्या बच रहा है आपके पास रो ए कैप फाइव, इतना ही बच रहा। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे यहां पे डायरेक्ट, जी डाउट बोलो कहां पे, यहां पे, यहां पे जो कोएफिशिएंट है ना इसको मैंने क्या किया यहां से इसको इतने पार्ट को बाहर निकाल दिया, अब सब इतना ही है ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट में जो है ना उसी को अपन क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं। अगर हम ए जेड के साथ चाहते तो ये पूरा लिख सकते थे, ए जेड का कोएफिशिएंट ये पूरा ही है यहां से आई डी जेड, और लेकिन हमने क्या कर दिया इसको कॉन्स्टेंट बोल के बाहर निकाल दिया, अब स्क्वायर ब्रैकेट का हम सॉल्व कर रहे हैं, हमने आसान कर दिया, इसके अंदर से हम कुछ बाहर निकाल नहीं सकते क्योंकि ब्रैकेट छोटे ब्रैकेट में है पैरेंथेसिस में, इसमें से बाहर निकाल सकते कि इधर वो नहीं है जो इधर है, लेकिन यहां पे कैसा सब ये पूरे के लिए ये इतना पोर्शन कॉमन है इसलिए कॉमन करके बाहर निकाल दिया। अब स्क्वायर ब्रैकेट में ए जेड का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, ए जेड का कोएफिशिएंट वन है इसलिए यहां पे राइट साइड में ए जेड के नीचे वन आया, समझा गया। तो ये आप डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे, डिटरमिनेंट काफी बड़ा दिख रहा और आंसर तक आया, आप डायरेक्ट करते तब भी वही आता। आप ए जेड एरो निकालना क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए आप फॉर्मल जो है उसका जैसे नॉर्मल मेथड क्या है रो फाइव जेड आप सीक्वेंस में लिख दो, और फॉरवर्ड डायरेक्शन जो मैं एरो मार्क किया उस डायरेक्शन में जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा, रिवर्स डायरेक्शन में करेंगे तो आंसर निगेटिव आएगा, और कोई भी दो का आप करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट तो थर्ड जो बच रहा वो आएगा रिजल्ट। जैसे आप कर रहे ए जेड क्रॉस एरो तो ए जेड क्रॉस एरो करेंगे तो क्या आएगा ए फाइव, और जेड के ए जेड पहले लिखे एरो बाद में ए जेड क्रॉस, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में कर रहे हैं आप तो ए जेड क्रॉस तो आंसर आएगा ए फाइव जो कि यहाँ पे आया, और ए फाइव के साथ में जो भी रहेगा कोई यहाँ पे कोएफिशिएंट रो था वो बचेगा। वैसे ए जेड क्रॉस ए जेड करेंगे तो सेम हो गया, और एंगल सेम का कितना होता है जीरो, और क्रॉस प्रोडक्ट में साइन आता है साइन जीरो जीरो तो सेम का जीरो आ जाएगा, इसलिए बचेगा क्या सिर्फ इतना। तो इतना सारा मेथड से आसानी से होता था डायरेक्ट, तो डिटरमिनेंट यहाँ पे हम चाह रहे थे ना ले, लेकिन आपको क्योंकि एक आदत डाले हमने डिटरमिनेंट की इसलिए डिटरमिनेंट आपके लिए लिख दिए। तो क्या आएगा यहाँ पे इसका आंसर जस्ट आएगा रो ए कैप फाइव, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सिर्फ उतना ही रहेगा सॉल्यूशन। तो इसको रीराइट करते हैं हम यहाँ पे यही लिखते इसको, ये आएगा रो ए कैप फाइव, ठीक है। अब इसको क्योंकि डीएच निकालना है, अब डीएच से एच निकालना है तो एच विल बी इक्वल इंटीग्रेशन करेंगे हम डीएच का, आप एच निकालने के लिए यू विल इंटीग्रेट डीएच, ठीक है। अब यहां पे डीएच को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यहां पे विद रिस्पेक्ट टू इसमें डी सिर्फ इसमें डीजेड दिख रहा तो आपको इंटीग्रेट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू जेड, विद रिस्पेक्ट टू डीजेड करना होगा, तो यहां पे इंटीग्रेट करेंगे और यहां पे जेड की लिमिट्स पुट करेंगे आप, ठीक है। और राइट साइड में क्या लिखेंगे आई इंटू रो, ये रो आ गया आई ये है रो ये है और अपॉन फोर पाई और रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर थ्री बाय टू, ठीक है। अब यहां पे डी जेड है तो डी जेड को एज इट इज यहां पे लिख लेते हैं
और ये हो गया पूरा मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे ए कैप फाई डायरेक्शन है, इसको लास्ट में लिख लेते हैं। यहां तक समझ में आया क्या? अब ये जो जेड है, जेड के लिए क्वेश्चन में क्या पूछा था? क्वेश्चन बताया था अपने को कि इनफाइनाइट फिलामेंट है, कैरिंग करंट, हमने फिलामेंट को जेड एक्सिस पे लिया तो जेड एक्सिस इनफाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट जेड के ऊपर पुट किया हुआ है, तो जेड की लिमिट्स कहां से कहां तक जाएगी? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये हो गई जेड की लिमिट्स। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद इसमें आपको नीचे यहाँ पे पैरेंथेसिस ब्रैकेट में आपको जेड दिख रहा, तो आंसर में कहीं ना कहीं जेड आएगा, आंसर में जेड आएगा। आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट इन्फिनिटी, लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी, आंसर में जब भी आंसर या इक्वेशन में इन्फिनिटी आता है तो या तो उसका आंसर जीरो हो जाएगा या तो उसका आंसर जाएगा इन्फिनिटी। अगर डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आता है तो आंसर जीरो, न्यूमरेटर में इन्फिनिटी आता है तो आंसर इन्फिनिटी, तो आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट, तो ये सॉल्व नहीं हो सकता। तो आपको जेड को चेंज करके आपको डायरेक्शन फाई के फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, जेड को चेंज करना पड़ेगा आपको उसमें, ठीक है, जेड को चेंज करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखते हैं यहाँ पे कि जो फिगर थी, फिगर को एक बार रीड्रॉ करता हूं, आपको आप देख सकते हैं ये है जेड एक्सिस और हमने करेंट एलिमेंट लिया था, ये करेंट एलिमेंट था आइडियल, और एक पॉइंट लिए थे पी, और यहां से परपेंडिकुलर था ये रो, ए रो, और ये था आर ए कैप आर, और ये था जेड ए कैप जेड। यहां पे एक एंगल बन रहा, यहां पे एक एंगल बन रहा, दैट इज नॉट फाई, दैट इज सम डिफरेंट एंगल, ठीक है, इसको हमको नाम देना है। अपने पास रो फाई जेड सिस्टम लेके चल रहे हैं और उसमें फाई एंगल इज स्पेसिफिक एंगल, वो एंगल होता है एक्स के साथ में, एक्स के साथ जो एंगल बनता है दैट इज फाई, और उसके 0 से 360 उसकी रेंज होती है। यहां पे जो एंगल बन रहा, ये एंगल मिनिमम कितना रहेगा, मैक्सिमम कितना रहेगा, पहले देख ले। ये जो आप दिख रहा है करंट एलिमेंट दिख रहा है, ये करंट एलिमेंट अगर यहां पे आ जाएगा तो उस केस में आर जो है वो रो के साथ में मिल जाएगा और एंगल कितना हो जाएगा, जीरो, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ दैट एंगल विल बी जीरो। उसके बाद ये एलिमेंट थोड़ा ऊपर चले जाएगा तो ये एंगल बढ़ जाएगा, ये और ऊपर जाएगा तो ये एंगल और बढ़ेगा। कहां तक बढ़ सकता, 90 के ऊपर जा सकता है क्या? नहीं, ये जब इन्फाइनाइट जाएगा ऊपर, इन्फिनिटी भी चले जाएगा, तब वो 90 हो जाएगा, विल टेंड टू 90, 100% 90 तब भी नहीं होगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस कभी भी टच नहीं होती, चाहे वो इन्फाइनाइट पहुंच जाए, पैरेलल लाइंस कभी भी टच नहीं होती, वो इन्फिनिटी भी जाके भी टच नहीं होती है। तो ये हम समझ ले रहे कि इट इज टेंडिंग टू 90 डिग्री, एंगल बढ़ते बढ़ते कितना हो गया, अप्रोक्सीमेटली 90। जैसे ये अर्थ है हमारी, अर्थ सर्कुलर है, ओवल शेप है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसमें स्ट्रेट लाइन दिख रही, ये रूम पूरा स्ट्रेट दिख रहा, तो वी कैन अप्रोक्सीमेट दिस कर्व ऑफ द अर्थ फॉर डिफरेंशियल लेंथ, वी कैन अज्यूम इट एज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। उसी तरीके का ये अजम्पशन है कि आप ये जो एंगल है बढ़ते बढ़ते 90 को टच हो रहा है, इट इज अप्रोक्सीमेटली बिकमिंग 90 डिग्री, टेंडिंग टू 90 डिग्री, तो हम उसको 90 ले लेंगे, तो इसके जीरो मिनिमम हो जाएगा, जीरो मैक्सिमम हो जाएगा 90 डिग्री। उस तरीके से ये एलिमेंट थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, एलिमेंट जो है इससे नीचे आएगा, तो उस केस में ये एंगल नीचे चले गया, तो ऊपर का अगर 90 नाम दे रहे तो नीचे भी 90 नाम देना सही नहीं, क्योंकि सुनने वाले को जब हम बोलेंगे 90 डिग्री तो उसने क्या अजूम करना, ऊपर आला कि नीचे आला, एंगल ऊपर जा रहा कि नीचे जा रहा, तो आपको इसको माइनस 90 बोलना पड़ेगा नीचे वाला एंगल को, तब जाके उसको समझ में आएगा कि ये एलिमेंट जो है इस पॉइंट से नीचे है। तो जो माइनस साइन यहाँ पे क्या इंडिकेट करेगा, एंगल इससे ऊपर है या इससे नीचे है। तो आईडीएल जो है करंट एलिमेंट आई इंटू डीएल, ये अगर इस पॉइंट से परपेंडिकुलर पॉइंट से ऊपर जा रहा तो एंगल ऊपर में आएगा, और जितना ऊपर गया उतना नीचे आएगा तो एंगल उतना ही रहेगा, लेकिन यहां पे हम क्या करेंगे माइनस साइन लगा देंगे टू शो दैट द एलिमेंट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन रो, हॉरिजॉन्टल लाइन रो से नीचे, ये शो करने के लिए हम उसको माइनस साइन लगा देंगे। तो यहां जो एंगल बन रहा, इस एंगल को हम नाम दे देते थीटा, और थीटा जो है कोई मसला नहीं करेगा, क्योंकि थीटा जो है वो स्फेरिकल सिस्टम का पार्ट है, आर थीटा फाई, और हमारे इसमें हमने आर भी लिया है, बट दिस आर इज नॉट दैट आर इन स्फेरिकल सिस्टम। स्फेरिकल सिस्टम में जो आर होता है वो उसका स्टार्टिंग होता है ओरिजिन से, और वो रेडियल डायरेक्शन इन्फिनिटी तक जाता है, और इसका स्टार्टिंग ओरिजिन से नहीं हो रहा। ओरिजिन कहाँ पे, जेड एक्सिस के नीचे में कहीं ओरिजिन मिलेगा, जेड एक्सिस कहीं ना कहीं ओरिजिन पे टच करेगा, और ये दूर है तो ये ओरिजिन हो ही नहीं सकता, तो ये ओरिजिन से ओरिजिनेट नहीं हो रहा, तो ये आर वो नहीं है। दूसरा आर थीटा फाई स्फेरिकल सिस्टम में एक थीटा आता है जो जेड एक्सिस से कैलकुलेट करते हैं हम, और यहाँ पे जेड एक्सिस से कैलकुलेट नहीं कर रहे, ये दूसरा एंगल है, तो दिस एंगल इज डिफरेंट।
तो ये जो हम थीटा और आर ले रहे इसका उस आर थीटा से कोई रिलेशन नहीं है, इसकी हम डेफिनेशन बदल रहे हैं। यहां पे आर जो है इट इज अ रेडियल डायरेक्शन फ्रॉम द सोर्स करंट एलिमेंट टू द डेस्टिनेशन पॉइंट वेयर यू आर कैलकुलेटिंग एच, और उसी तरीके से थीटा इट इज एंगल बिटवीन द रेडियल डायरेक्शन एंड द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, रेडियल और परपेंडिकुलर के बीच का एंगल है, ये थीटा हो गया। तो इसको हम थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे, रीजन क्या है, क्योंकि जेड जा रहा है इन्फिनिटी पे, जेड की लिमिट से इन्फिनिटी, आंसर में इन्फिनिटी पुट करेंगे तो आंसर भी इन्फिनिटी बन जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे इस फाइनाइट को पुट करेंगे, क्योंकि जेड के साथ में एंगल बढ़ रहा, ऐसी कौन सी चीज है जो जेड के साथ में एग्जैक्ट बढ़ रही, थीटा ही हो रहा, क्योंकि आप जेड को ऊपर ले जा रहे, जेड की लेंथ बढ़ रही तो थीटा भी बढ़ रहा, जेड इन्फिनिटी पे जा रहा तो ये पाई बाय टू पे जा रहा, 90 डिग्री पे आ रहा, 90 इज नॉट इनफाइनाइट, इट इज फाइनाइट वैल्यू, अगर इसको आप पुट करेंगे तो आंसर फाइनाइट आएगा, लेकिन ये जेड का पुट करेंगे तो आंसर इनफाइनाइट हो जाएगा, उस तरीके से एंगल ये नीचे जा रहा जेड, जेड माइनस में जा रहा तो एंगल भी नीचे बढ़ते जा रहा, और नीचे जब ये माइनस इन्फिनिटी होगा तो ये माइनस पाई बाय टू हो जाएगा, जबकि ये फाइनाइट है और जेड इनफाइनाइट है, तो जेड हम नहीं ले सकते, तो जेड को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा काय में, थीटा में, तो वी हैव टू कन्वर्ट जेड इनटू थीटा, तो जेड और थीटा के बीच का रिलेशन निकालते हैं, ये जेड आ गया और रो भी लगेगा हमको, क्योंकि यहां पे जेड के साथ में रो है, ब्रैकेट के अंदर देखते थे जेड के साथ रो है, तो हम आर नहीं लेके जेड के साथ रो लेंगे, और ये परपेंडिकुलर और बेस दोनों लेंगे तो टैन लेना होगा आपको, ठीक है, तो टैन थीटा, टैन ऑफ थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर बेस, जेड बाय रो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस या अपोजिट अपॉन एडजस्ट, तो z कितना हो जाएगा, z इक्वल्स टू रो tan, रो tan थीटा, ये हो गया z। अपने इक्वेशन में आप देख सकते हैं यहां पे dz है, तो z को dz में कन्वर्ट करना है, तो यू टू डिफरेंशिएट z विद रिस्पेक्ट टू थीटा, देन यू गेट dz, और d थीटा भी मिल जाएगा आपको, उसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dz बाय d थीटा करेंगे, रो कांस्टेंट है तो tan थीटा का कितना होता है, tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये हो गया, तो dz विल बी इक्वल टू रो dz, जहां दिख रहा आप उसकी जगह पे ये पुट करेंगे रो इंटू sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा, ये हो गया dz का सॉल्यूशन निकल गया। अब यहां पे z है, ब्रैकेट में यहां पे z है, z के लिए क्या पुट करेंगे आप, रो टैन थीटा पुट कर देंगे, dz के जगह पे ये पुट कर देंगे। अब आता है लिमिट्स, z जब इंफिनिटी है तो थीटा कितना होगा, तो व्हेन व्हेन z इक्वल्स टू इंफिनिटी तो थीटा कितना होगा, उस वक्त अंदाजे से आप बता सकते हैं, जब ये z इंफिनिटी जाएगा तो ये 90 डिग्री या पाई बाय टू, आप चाहे तो निकाल सकते हैं, थीटा विल बी इक्वल्स टू टैन इनवर्स ऑफ z बाय रो, यहां से निकलेगा इस फॉर्मूले से, अगर मैथमेटिकली सॉल्व करके निकालना है तो थीटा क्या निकलेगा, थीटा इक्वल्स टू टैन इनवर्स ऑफ जेड बाय रो, और जेड की जगह पुट करेंगे इन्फिनिटी तो टैन इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी बिकम्स पाई बाय टू, ठीक है, तो यहां से भी निकल जाएगा, आप डायरेक्टली समझ के भी निकाल सकते हैं, एंगल बढ़ते बढ़ते जब जेड गया इन्फिनिटी पे तो एंगल जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा, तो आप 90 डिग्री लिखो यहां पे या पाई बाय टू लिख दो, पाई बाय टू रेडियन, वैसे z जब माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा उस केस में थीटा हो जाएगा माइनस पाई बाय टू। तो यहां पे याद रखने वाली बात क्या है कि ये जो एंगल है, ये एंगल जब हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे जाएगा तो माइनस हो जाएगा और एंगल लाइन के ऊपर रहेगा तो प्लस रहेगा, ये इसको याद रखना है आपको, यहां तक क्लियर हो गया, जस्ट इसको पुट करना है h के क्वेश्चन में और h के क्वेश्चन को रीराइट करना है, तो h के क्वेश्चन में क्या क्या आ रहा है, देखो आई रो अपॉन फोर पाई, एच के क्वेश्चन में आएगा आई इंटीग्रेशन तो रहेगा ही, आई रो अपॉन फोर पाई ब्रैकेट में रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर था, जेड की जगह पे क्या आएगा, अब यहां पे जेड की जगह आएगा रो टैन थीटा, रो टैन थीटा ये स्क्वायर है तो ये आएगा रो स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा, और पावर पावर कितना है इसका, थ्री बाय टू है, और ऊपर साइड में यहां पे आप देखो कि और कुछ है, डी जेड है और एफ आई है, डी जेड की जगह पे क्या पुट करेंगे आप, रो sec स्क्वायर थीटा d थीटा, यहां पुट करेंगे आप रो d थीटा, और यहां पे डायरेक्शन a phi a cap phi है, ठीक है। अब यहां पे ऊपर में भी आप देख सकते हैं, यहां पे रो स्क्वायर बन रहा न्यूमरेटर में, अब लिमिट्स का भी देख लो, लिमिट्स के बारे में क्या था,
लिमिट्स था यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी जहां पे था वहां पे आएगा माइनस पाई बाय टू, प्लस इन्फिनिटी जगह पे आएगा प्लस पाई बाय टू। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाय टू से लेकर पाई बाय टू लिमिट्स भी आ गई। मतलब हमने कन्वर्ट कर दिया इक्वेशन को फ्रॉम विद जेड रेफरेंस से थीटा रेफरेंस की तरफ, हमने उसको चेंज कर दिया। अब इसके बाद आप कांस्टेंट पहले बाहर निकाल लेते, कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर, कांस्टेंट कौन है, आई है, रो स्क्वायर है, आई निकल जाएगा, रो स्क्वायर निकल जाएगा और सेक स्क्वायर, क्योंकि थीटा से कर रहे हैं तो सेक स्क्वायर थीटा वो रहेगा यहां पे। ये इंटीग्रेशन डी थीटा, ये ऊपर वाला पार्ट हो गया। नीचे में अब यहां पे देखो 4 पाई निकल जाएगा, 4 पाई। अब एक और चीज देखो यहां पे, ये रो स्क्वायर को अगर आप निकालते बाहर तो साथ में पावर लेके आएगा, वो रो स्क्वायर कॉमन निकलेगा, रो के ऊपर पावर कितना रहेगा, रो स्क्वायर तो है उसका साथ में पावर क्या रहेगा 3/2, तो 2 इंटू 3/2 क्यूब बचेगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर रो क्यूब है, ऊपर में रो स्क्वायर है, वो कैंसिल होकर 1/rho बचेगा, ठीक है। वैसे यहां पे रो निकल गया, अब क्या बचा यहां पे ब्रैकेट में 1 plus tan square theta to the power 3/2। अब 1 plus tan square theta कितना होता है, अगेन इट इज sec square theta, तो ये हो जाएगा आई इंटू रो स्क्वायर, ये कैंसिल हो जा रहा, यहां पे क्या बचेगा आई अपॉन 4 pi rho इतना बचेगा, क्योंकि रो क्यूब और रो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और लिमिट्स इसकी थीटा की रहेगी एज इट इज, यहां पे भी थीटा की लिमिट्स रहेगी। ये ऊपर आ जाएगा sec स्क्वायर नीचे sec अपॉन sec स्क्वायर थीटा टू द पावर 3/2। अब यहां पे d थीटा, और एक चीज भूल गए हम लिखना, वो है a phi। तो यहां पे नीचे भी आएगा sec स्क्वायर थीटा इंटू 3/2 मतलब sec क्यूब थीटा हो जाएगा, ये ऊपर में स्क्वायर नीचे क्यूब, तो 1 upon sec theta एंड 1 upon sec theta इज cos थीटा, तो उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं आप इक्वल्स टू आई अपॉन 4 pi rho लिमिट्स थीटा cos थीटा d थीटा a कैप phi। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है, तो cos का इंटीग्रेशन साइन होगा। और यहां पे को मैं यहां पे H के फॉर्म लिखा नहीं, यहां पे वो जरूरी है, H इक्वल्स टू I डिवाइड बाय 4 pi rho, फिर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का क्या आएगा साइन थीटा, साइन थीटा में अपर लिमिट पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, साइन पाई बाय टू माइनस साइन माइनस पाई बाय टू, और कुछ रह गया आगे, ए कैप फाइव रह गया यहां पे, ए कैप फाइव, ठीक है। अब साइन पाई बाय टू, ये जो इक्वेशन है इसको आपको याद रखना था, इसको ब्लॉक में डाल देते हैं, ठीक है, और सॉल्व होता है वो, उसको आगे लेके जाएंगे, लेकिन उसको ब्लॉक में डाल दिया, आपको याद रखना है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, H इक्वल्स टू आई डिवाइड बाय 4 pi rho, साइन पाई बाय टू कितना होता है 1, और साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो साइन ऑफ माइनस पाई बाय टू माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस होके फिर 1 बचेगा, तो 1 plus 1 आएगा यहां पे 1 plus 1, और ये ऊपर में 2 आ गया नीचे में 4 आ गया, कैंसिल हो जाएगा, यहां पे एक एफ फायर रहेगा। फाइनल आंसर क्या आएगा, H इक्वल टू आई अपॉन 2 pi rho और एक एफ फायर, ये H का आ गया। अब यहां पे एक एफ फायर ये आया कैसे, एक एफ फायर स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में अगर आप देखते हैं यहां पे, तो ए कैप फाई जो है वो स्टार्टिंग में ए जेड और ए रो का क्रॉस प्रोडक्ट है, ए कैप फाई नथिंग बट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए जेड एंड ए रो, तो यू कैन एनी टाइम राइट ए फाई एज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए कैप फाई इज इक्वल टू ए कैप
z क्रॉस a कैप रो। अभी मैं क्यों लिखा यहां पे? Why I'm writing a cap z in terms of a cap z? Because we have assumed that the current is flowing in z direction. z का इस equation से कोई लेना देना नहीं है। z हमने time being assume किया हुआ है कि current जो है z में flow हो रहा, इसलिए equation में z आ गया। अगर हम assume करते current x में flow हो रहा तो वहां पे आता a cap x equation में, और अगर इसको flow करते हम y direction में तो क्या आता? a cap y आता। तो अगर ये equation को लेते हैं, हम ऊपर वाला ये phi वाला equation लेते हैं, अगर ये क्वेश्चन लेते हैं तो आप ये नहीं बता पाएंगे कि करंट किस डायरेक्शन पे हो रहा, और अगर एक एफ आई के अगर ये पुट कर देंगे आप तो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं क्वेश्चन के थ्रू, आप बता सकते हैं कि ये करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा। तो इसमें ये खास बात है कि आप इसको ए फाइव को स्प्लिट कर रहे ए जेड और ए कैप रो में, तो इसकी क्वेश्चन क्या बनेगा? एच इज इक्वल टू आई डिवाइड बाय टू पाई रो इंटू ए कैप जेड क्रॉस ए कैप रो। ये लिखने से फायदा ये हो गया कि आप बता सकते हैं कि करंट किस डायरेक्शन पे हो रहा। अब ये हो गया स्पेसिफिक इक्वेशन फॉर ओनली जेड, जनरलाइज करना इसको कहीं भी करंट फ्लो हो सकता, तो जेड जो है करंट का डायरेक्शन है, तो इसलिए पे नया यूनिट वेक्टर ले लेते हैं एच इज इक्वल टू आई डिवाइड बाय टू पाई रो इन ब्रैकेट जेड की जगह पर करंट है तो आई ले लेंगे ए कैप आई करंट का डायरेक्शन, ए कैप आई करंट का डायरेक्शन जो भी होगा क्रॉस ए कैप रो, और इसका इसका वो क्या रहेगा यूनिट एम्पियर पर मीटर। ये हो गया फाइनल इक्वेशन। फाइनल इक्वेशन जो है वो भी काम का है, और जो ऊपर ब्लू से हाईलाइट किया वो भी काम का है, लेकिन अभी यहां पे एक और डायरेक्शन का स्प्लिट ब्लू इक्वेशन है उसको लेके अब सॉल्व करना आगे, इसलिए उसको हाईलाइट किया, तो इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में कॉपी करते हैं। यहां तक समझ में आ गया आपको एच कैसा निकला? ये जो एच निकला ये क्या अज्यूम किया हमने? करंट जो है वो इनफाइनाइट फ्लो हो रहा जेड में, फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी फ्लो हो रहा। तो वेन एवर यू हैव बीन गिवन अ क्वेश्चन स्पेसिफाइंग दैट द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, देन द फॉर्मूला विल बी एच इक्वल टू आई अपॉन टू पायरो, उसमें टू आता और वाले फॉर्मूला में फोर आता, तो टू इन्फिनिटी के लिए है और फाइनाइट के लिए फोर है। अब फाइनाइट मतलब क्या, ये भी क्वेश्चन है। अब इसको नेक्स्ट स्लाइड में लेते हैं, ये क्वेश्चन आप बताना मेरे को नेक्स्ट स्लाइड में। बीच में एक क्वेश्चन आया था, इसको इक्वेशन नंबर वन दे देते, तो इस इक्वेशन वन, तो इक्वेशन वन को यहां पर रेफर करते हैं। क्या था एच इक्वल टू आई डिवाइड बाय फोर पाई रो साइन पाई बाय टू माइनस साइन माइनस पाई बाय टू और डायरेक्शन ए कैप फाइव, ये इक्वेशन था। इसमें यहां पे जो पाई बाय टू है ये माइनस पाई बाय टू, समझने के लिए एक फिगर फिर से लेके आते हैं हम। यहां पे फिगर क्या थी हमारे लास्ट टाइम की, वैसी थी, यहां पॉइंट था और इसे परपेंडिकुलर डाल दिए, परपेंडिकुलर का नाम क्या था रो ए कैप रो, इसका डायरेक्शन ऐसा था और ये जेड एक्सिस है। अब ये एंगल जो बन रहा यहां पे, इसको एक अलग कलर से लेते हैं, यहां पे करंट एलिमेंट लिया था हमने और ये एंगल थीटा हो गया। अगर करंट एलिमेंट और ऊपर जाएगा तो ये एंगल थीटा बढ़ेगा, ये इनफाइनाइट के लिए 90 हो जाएगा, फाइनाइट के लिए हम अज्यूम करते यहीं पे, समझ लो यहीं पे अज्यूम कर लेते, तो करंट समझ यहीं तक फ्लो हो रहा है, इसके ऊपर नहीं जा रहा, तो ऊपर वाला पार्ट तो इतना रहेगा, जेड इतना ही रहेगा आपका, ये जेड यहां से यहां तक रहेगा, रो यह रहेगा, उसके इसमें थीटा कितना रहेगा? थीटा विल बी इक्वल टू, ये थीटा का बढ़ता हुआ डायरेक्शन, थीटा इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ जेड बाय रो, tan इनवर्स ऑफ जेड बाय रो। अब ये जेड आपके पास फॉर एग्जाम्पल 3 है तो आप 3 पुट कर देंगे और रो जो है वो कैलकुलेट करके रो पुट कर देंगे, यू विल गेट थीटा फाइनाइट बिलो पाई बाय टू, पाई बाय टू से कुछ कम मिलेगा आपको, इन्फिनिटी के लिए पाई बाय टू होता है और फाइनाइट के लिए पाई बाय टू से कुछ कम मिलेगा। लेट दैट एंगल बी इक्वल टू अल्फा अल्फा 2, क्योंकि करंट जो है वो स्टार्ट होता है और एंड होता है, माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट हुआ था प्लस इन्फिनिटी खत्म हुआ, माइनस इन्फिनिटी जेड वन था और प्लस इन्फिनिटी जेड टू, तो जेड वन से जेड टू करंट फ्लो हो रहा था, पहले करंट क्या था नीचे ऊपर जा रहा था माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो नीचे वाला जेड वन था ऊपर वाला जेड टू था, जेड वन से जो एंगल बनेगा वो अल्फा वन बनेगा, जेड टू से जो एंगल बनेगा वो अल्फा टू बनेगा, तो पहले उसको ले लिए तो ये थीटा टू था, थीटा टू जो है अल्फा टू बना। उस तरीके से करंट नीचे इन्फाइनाइट से फ्लो नहीं हो रहा, समझ लो यहां से फ्लो हो रहा, यहां से स्टार्ट हुआ करंट, करंट इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ
तो उस टाइम स्टार्टिंग पॉइंट को मार कर देंगे यहाँ पे, और जो एंगल बनेगा वो क्योंकि फाई रो से नीचे आ रहा इसलिए उसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि रिवर्स डायरेक्शन हो गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन नॉर्मल है, एंटी क्लॉकवाइज स्लो हो गया, इसलिए ये एंगल जो रहेगा माइनस में आएगा, ये आएगा थीटा 2 इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ जेड बाय रो, और ये एंगल आएगा माइनस अल्फा 1 माइनस। व्हाट डज माइनस इंडिकेट? माइनस का रोल यहां पे सिर्फ ये बताना है कि एंगल इज बिलो रो लाइन, ये जो रो है परपेंडिकुलर लाइन उससे नीचे जा रहा एंगल, इसका मतलब सिर्फ ये है। तो उल्टा भी हो सकता, करंट जो है ऐसा फ्लो होने की जगह ऐसा भी फ्लो हो सकता, करंट अगर ऊपर से टॉप टू बॉटम फ्लो होगा, करंट अगर ऊपर टॉप से बॉटम फ्लो होगा उस केस में अल्फा 1 ऊपर आएगा अल्फा 2 नीचे आएगा, अल्फा 1 ऊपर आएगा अल्फा 2 नीचे आएगा, और अल्फा 1 ऊपर चले गया तो ऊपर वाला एंगल पॉजिटिव होता है, रो के नीचे वाला एंगल निगेटिव होता है। तो पॉजिटिव निगेटिव हम किसको लगाएंगे? जो रो लाइन से नीचे है उसको निगेटिव करेंगे, जो रो लाइन से ऊपर उसको पॉजिटिव इंडिकेट करेंगे। ये हमारे समझने के लिए न्यूमेरिकल में सॉल्व करें। जैसे हम ये राइट फॉर एग्जांपल करंट जो है जेड डायरेक्शन फ्लो हो रहा और माइनस जेड की तरफ मैंने एरो लगा दिया तो उसके साथ में लिखना पड़ेगा माइनस आई करंट इज फ्लोइंग इन माइनस जेड डायरेक्शन, माइनस आई, दैट माइनस आई, माइनस साइन का मतलब यह है कि डायरेक्शन उल्टा है। वैसे यहाँ पे एक डायरेक्शन ऊपर का डायरेक्शन एंगल गिनने का, एक एंगल इस तरह से गिन रहे आप क्लॉक वाइज, क्योंकि ये ऊपर चला गया तो ऊपर चले गया, हाइपोटेनस ऊपर चले गया तो एंगल ऐसे जा रहा, इसका हाइपोटेनस नीचे आ गया तो एंगल ऐसा आ रहा, स्टार्टिंग तो हो रही रो से, रो से ही गिनना शुरू कर रहे, ठीक है। तो एक क्लॉक वाइज एक एंटी क्लॉक वाइज, तो जो क्लॉक वाइज है उसको अगर पॉजिटिव लेते हैं एंटी क्लॉक वाइज को निगेटिव लेना होगा, ये हमको स्टार्ट बनाना है। तो क्लॉक वाइज को पॉजिटिव लेंगे नॉर्मली, क्लॉक वाइज पॉजिटिव ले तो दूसरा वाला उसका एंटी निगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव ऊपर जेड ले रहा तो नीचे वाला निगेटिव जेड बन जाएगा, फाइ ऐसा लेंगे हम ये पॉजिटिव हो गया, ऐसा लेंगे तो माइनस फाइव बन जाएगा। तो हर चीज का ऐसा प्लस माइनस होता ही है। तो यहाँ पे नीचे वाला जो एंगल है उसको माइनस इसलिए लिया क्योंकि वो एंटी क्लॉकवाइज कैलकुलेट करना पड़ रहा है, मतलब वो रो से नीचे आ रहा, याद रहेगा। तो अब इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखते हैं हम, एच आई अपॉन 4 पाई रो, और यहाँ पे साइन, ये जो पाई बाय 2 था ये प्लस पाई बाय प्लस इन्फिनिटी से बना था, प्लस पाई बाय 2 प्लस इन्फिनिटी से, माइनस पाई बाय 2 माइनस इन्फिनिटी से, प्लस इन्फिनिटी ऊपर है माइनस इन्फिनिटी नीचे है, प्लस इन्फिनिटी मतलब ऊपर, और ये अल्फा 2 है, ये अल्फा 2 हो गया माइनस साइन अल्फा 1, ये माइनस पाई बाय 2 जो आया ये तो माइनस इन्फिनिटी से आया था। अब जनरलाइज कर रहे हैं, जनरलाइज करने के बाद जो है उसको माइनस नहीं लिखेंगे, अब जो भी एंगल आएगा उसको पुट कर देंगे, आंसर प्लस माइनस खुद ही आ जाएगा, ठीक है। जैसे करंट आई लिख दिया, आई की वैल्यू कैन बी कम एज पॉजिटिव और कैन बी निगेटिव, लेकिन माइनस आई नहीं लिखेंगे, आई लिख देंगे, ठीक है। अब ये अल्फा 1 अल्फा 2 जब भी निकालेंगे तो ये देख के निकालेंगे कि एंगल क्लॉकवाइज जा रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, याद रहेगा। तो ये एक और फॉर्मूला बन गया, इसमें ए फाई आएगा, और ए फाई कैन बी स्प्लिट इन टू पार्ट्स अगेन, ए फाई विल बी इक्वल टू ए जेड क्रॉस ए रो, ए जेड क्रॉस ए रो होगा, और ए जेड जो है करंट का डायरेक्शन रहेगा, ए फाई इज इक्वल टू ए जेड क्रॉस ए रो, एंड ए फाई इज इक्वल टू ए आई क्रॉस ए रो, AZ जो स्पेसिफिक Z डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा तभी लेंगे, और जनरलाइज किसी भी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा तो उसको हम AI डायरेक्शन ले लेंगे, ठीक है। ये आपको इतना याद रखना है, दिस इज फॉर फाइनाइट फिलामेंट कैरिंग करंट, और जो पहला वाला फॉर्मूला था ये फॉर फाइनाइट है, और H इक्वल्स टू I अपॉन ये 4 की जगह 2 हो जाएगा, 2 पाई रो A कैप फाइ एम्पियर पर मीटर, ये हो जाएगा इनफाइनाइट के लिए। ये फॉर्मूला आपको बाय हार्ट याद करना है, इसके ऊपर फिर न्यूमेरिकल्स रहेंगे, ठीक है।